नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 3M कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग या टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 3M कॉन्सेप्ट के बारे में, 3M के उदाहरण और 3M का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे 3M कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली इसको हम 3 एनिमीज के नाम से भी जानते हैं या 3 दुश्मन। अगर आप गूगल करेंगे तो कई जगह पे आपको 3M यानी कि 3 एनिमीज के नाम से मिल जाएगा। तो बेसिकली जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर जो वेस्टेजेस हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर खास तौर पे डिवाइड किया गया है। वही कैटेगरीज क्या है, हमारी 3M के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर जो पहला कैटेगरी है वह है मूरा या अनइवननेस, असंतुलन। दूसरी जो कैटेगरी है वह है मूरी, ओवरबर्डन या अधिक भार। और तीसरी जो कैटेगरी है वह है मुदा या वेस्ट या व्यर्थ। कुछ लोग इसको ऊपर नीचे भी बोल देते हैं, कोई बोल देता है मुदा मुरा मुरी, कुछ लोग बोलते हैं मुरा मुरी मुदा। तो बेसिकली क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस पे नहीं आना है कि आप तो जी पहले मुरा पढ़ा रहे हो, फिर मुरी पढ़ा रहे हो, फिर मुदा पढ़ा रहे हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 3M कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम एक एक करके जानेंगे तीनों के बारे में, मुरा क्या होता है, मुरी क्या होती है और मुदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मूरा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मूरा मतलब असंतुलन। तो बेसिकली मूरा क्या है, जब हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर अनइवननेस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है, तो इस कैटेगरी के वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, मूरा। जो मेन रीजन है मूरा के वो क्या क्या है, इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रॉपर प्लानिंग या लैक ऑफ प्लानिंग, फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स, अंडर या ओवर यूटिलाइज कैपेसिटी। मूरा के अंदर क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट लाइन या एक मशीन या एक पर्सन के ऊपर जो है वह क्या हुआ, वजन ज्यादा हो गया या उसके ऊपर लोड ज्यादा आ गया और दूसरा जो है वो बिल्कुल खाली है। जैसा आपको तस्वीर में भी दिख रहा है कि एक बाल्टी जो है बड़ी है, इसके कंधे पर जो पर्सन लेके जा रहा है, एक बाल्टी छोटी है। अब इसको कहा जाए कि भाई आप सीधे चलो, तो क्या है यार, सीधा आप चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसके जो कंधे पे बाल्टियां रखी हुई हैं, वजन जो रखा हुआ है वह अनइवन है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, तो यह एक तरफ ही झुक के चलेगा। तो ऐसे ही जब जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर जो डिमांड्स हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं या सेल्स की तरफ से जो डिमांड आती है, वो फ्लक्चुएट करती है, कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई, या हमने प्रॉपरली वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं करी, एक ही मशीन के ऊपर सारा का सारा लोड डाल दिया, तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर एक अनइवननेस पैदा हो जाएगा जिससे कि आउटपुट प्रॉपरली नहीं निकलेगी। और यही पहली कैटेगरी है मूरा, अनइवननेस या असंतुलन। इसके बाद है मूरी या ओवरबर्डन, अधिक बार। अधिक बार क्या है कि जब हमने किसी सिस्टम के ऊपर, किसी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर या किसी ऑपरेटर के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड दे दिया, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हमने उसको लोड कर दिया सिस्टम को या प्रोडक्शन लाइन को, तो वह स्थिति क्या बनेगी, ओवरबर्डन की बनेगी, मूरा की बनेगी, अधिक बार की बनेगी। जैसा आप तस्वीर में भी देख पा रहे हो, यह जो पर्सन है यह दोनों कंधों पर दो दो बाल्टियां टांग के ले जा रहा है, भाई इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। इसकी कैपेसिटी क्या है, एक बाल्टी लेकर के जाने की है और हमने क्या किया, हमने उसमें दो दो बाल्टियां टांग दी, तो क्या होगा, वो कितने दिन काम कर पाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद उसने फेल हो जाना, उसने मना कर देना है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही आप किसी मशीनरी के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब लोड डाल दोगे तो वो क्या करेगी, कुछ समय बाद खराब हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक बाइक है 100 सीसी की, उस पे आप रोजाना 4 लोगों को बैठा के ले जा रहे हो, और दूसरी बाइक है उस पे 2 बंदे ही जा रहे हैं या एक ही पर्सन जा रहा है बैठ के रेगुलर,
4 महीने बाद दोनों की आप कंडीशन देखोगे बिल्कुल अलग अलग होगी। एक की हालत खस्ता हो चुकी होगी और एक अभी भी प्रॉपरली फंक्शन कर रही होगी। तो जब हम क्या करते हैं, किसी सिस्टम के ऊपर ओवरवर्डन डाल देते हैं, उसकी कैपेसिटी ज्यादा वर्डन डाल जाते हैं, तो सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, अधिक बार जनरेट हो जाता है, मूरी जनरेट हो जाता है, जिससे कि हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते या हमारा सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल पाता। अब इसके क्या क्या रीजंस हैं? इसके रीजंस हो सकते हैं, वर्किंग ऑन प्रोसेस यू आर नॉट ट्रेंड। जब आप किसी काम को लेकर के ट्रेंड नहीं हो और आपको वह काम दे दिया जाए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या लगेगा, आपको ओवर बर्डन लगेगा, आपकी आउटपुट प्रॉपरली नहीं आएगी। अब वही बात है कि मछली को बोल दिया कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है और बंदर को बोल दिया आपको पानी में तैरना है, तो क्या होगा, दोनों के ऊपर ही ओवरबर्डन आ गया और सिस्टम फेल हो गया। ऐसे ही जब आप बिना किसी ट्रेनिंग के किसी को ऊपर काम डाल दो, तो उसके ऊपर क्या आ गया, ओवरबर्डन आ गया और उससे क्या होगा, आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। दूसरा क्या कारण हो सकता है, पुअरली लेड आउट वर्क प्लेसेस। हमने प्रॉपरली क्या कर रखा है, लेआउट प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया, तरीके से डिजाइन नहीं किया, जिससे क्या है, हमारी मूवमेंट और वेस्टेजेस बहुत ज्यादा है, उससे भी हमें दिक्कत आएगी, ओवरबर्डन होगा। अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं मैनेजमेंट की तरफ से, सुपरवाइजर की तरफ से, क्लियर नहीं है कि क्या प्लान करना है, किस पे प्लान करना है, कैसे करना है। लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट और इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी क्या होगा, ओवरबर्डन होगा। इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, एक मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड दे दिया, एक के ऊपर कुछ भी नहीं दिया, तो क्या हुआ, ओवरबर्डन तो आ गया ना, एक मशीन पे अनइवननेस भी आई और ओवरबर्डन दूसरी मशीन के ऊपर जनरेट हो गया, तो इससे क्या होगा, आउटपुट प्रॉपरली नहीं निकल पाएगी। और जो सबसे आखिरी कैटेगरी है वह है मुदा। मुदा यानी कि वेस्ट। ऐसा कोई प्रोसेस जो कि सिस्टम के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड ना करे वह क्या कहलाता है, मुदा या वेस्ट। लीन में या टोटल प्रोडक्शन के अंदर यही परिभाषा है मुदा की, कि ऐसा कोई प्रोसेस जो कि सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड ना करे वह मुदा होता है, वह वेस्ट होता है। जैसे कि आप इस पर्सन को देख रहे हैं, यह एक बाल्टी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर सुराग है, तो उससे क्या हुआ, क्या ये बाल्टी कभी भर पाएगी, नहीं भर पाएगी, लेकिन ये तो काम करे जा रहा है। अब मैं एक कंपनी के अंदर यह तस्वीर दिखा रहा था, लोगों ने बोला कि सर ये तो बेवकूफ है, इसको तो बाल्टी में छेद दिख रहा है लेकिन फिर भी बाल्टी भरा जा रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, आपको उस काम को करने की आदत है, तो आपको नहीं पता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप तो काम कर रहे हो। तो ये क्या है, एक पिक्चर क्या है, एक सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए है कि आप अवेयर ही नहीं हो कि आप जो प्रोसेस कर रहे हो वो कोई वैल्यू एड नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप तो काम कर रहे हो। भाई बाल्टी तो ये भर रहा है, पानी तो ये उठा के इधर से उधर डाल रहा है, इसको तो लग रहा है मैं काम कर रहा हूं, लेकिन उस बाल्टी के अंदर छेद है, तो कोई प्रोसेस के अंदर वैल्यू ऐड नहीं हो रही, बाल्टी के अंदर कोई पानी नहीं जमा हो रहा। ऐसे ही हमारी शॉप फ्लोर भी बहुत सारी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, जो मुदा है, उनसे भरा पड़ा रहता है और हमें ध्यान ही नहीं होता। तो यह मेजर है कैटेगरी वेस्ट की, इसको हमने फोकस करना है। अब ये वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये वेस्ट होते हैं टोटल 7 प्रकार के, कुछ लोग इसे अब 8 भी बोलने लगे हैं, लेकिन अभी जो ओरिजिनली जो है वो 7 टाइप के वेस्ट होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल की मूवमेंट इधर से उधर ज्यादा होना। दूसरा होता है इन्वेंट्री, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमने मटेरियल इकट्ठा कर रखा है, वह इन्वेंट्री वेस्ट है। उसके बाद मोशन, जो पर्सन है इधर से उधर घूम रहा है, कभी टूल लाने के लिए, कभी मटेरियल लाने के लिए, मशीन कम चल रहा है और आना जाना उसका ज्यादा हो रहा है। वेटिंग टाइम, एक कंपोनेंट है जिसके अंदर 5 प्रोसेस होने हैं, 4 प्रोसेस हो गए, लेकिन 5वें प्रोसेस पे वेट कर रहा है, मशीन खाली नहीं है या ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है या मशीन ब्रेकडाउन है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये सब क्या है, वेटिंग है। ओवर आउटपुट क्या है, इसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने कस्टमर के ऑर्डर हैं, उससे ज्यादा मटेरियल प्रोड्यूस कर देना। ओवर ऑपरेशन क्या है, जितना हमारे प्रोसेस डिफाइन है एज पर कंट्रोल प्लान, एज पर PFD,
एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, उससे ज्यादा हमने एक प्रोसेस ऐड कर रखी है एक्स्ट्रा कि हमारी कोई मशीन पे प्रॉपर मशीनिंग नहीं हो पा रही, तो हमने क्या किया, फाइलिंग शुरू कर दी कि भैया फाइलिंग करो, उसके बाद डी फ्लैशिंग करो, बर निकालो, सफाई करो। तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है, इनके हमें कस्टमर नहीं पैसे दे रहा, लेकिन हम कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कोई कमी है जिसके कारण हमें ओवर प्रोसेसिंग या ओवर ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और सबसे आखिरी क्या है, डिफेक्ट्स, ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करना जो कि कस्टमर की डिमांड को मीट ना करे, वह डिफेक्ट्स कहलाता है। तो ये टोटल 7 कैटेगरी के वेस्ट होते हैं मुदा के अंदर। अब मूरा, मूरी और मुदा को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारे पास 3 टन की कैपेसिटी का ट्रक है और हमें टोटल 6 टन मटेरियल डिस्पैच करना है। तो जैसा आपको पहले एग्जाम्पल के अंदर दिखाई दे रहा है, 2 ट्रक है, एक पे हमने 4 टन लोड कर दिया, एक पे 2 टन, एक को अंडर यूटिलाइज कर लिया, एक को हमने ओवर बर्डन कर दिया। तो ये क्या आ गया, अनइवननेस हो गई। तो एक पे तो बिल्कुल भी काम नहीं है, एक को हमने ओवरलोड कर दिया, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट प्रॉपर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो दूसरा हमने क्या पढ़ाया आपको, मूरी, मूरी में हमने क्या किया, 6 के 6 टन मटेरियल एक ही ट्रक पे लाद के भेज दिया। तो क्या वह ट्रक प्रॉपरली उसको ले जा पाएगा, मटेरियल को नहीं ले जा पाएगा, हो सकता है रास्ते में कहीं उसका ब्रेकडाउन भी हो जाए ओवरलोड की वजह से। और तीसरी कैटेगरी क्या है, मुदा वेस्ट, कि भैया हमने 2-2 टन लाद के भेज दिए 3 ट्रक पे, तो हमारा जो एक ट्रक है वो बिल्कुल क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया एक ट्रक। तो ये क्या हो गया, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी। तो ये क्या हो गया, मुदा या वेस्ट। अब हमने क्या किया, एक ट्रक पे 3 टन, दूसरे ट्रक पे 3 टन, तो ये क्या है, ना मूरा है, ना मूरी है, ना मुदा है, प्रॉपरली बैलेंस है सिस्टम, और हमने प्रॉपर कैपेसिटी के हिसाब से मटेरियल को डिस्पैच कर दिया। तो हमने सिस्टम को कैसे चलाना है, ऐसे ही चलाना है, ना मूरा होना चाहिए, ना मूरी, ना मुदा। अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, वह हम इस ग्राफ से समझेंगे। आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये है कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है हमारी किसी मशीन की या सिस्टम की। तो जब हमने क्या किया, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड डाल दिया, जैसे आपको यहाँ कर्व में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, इतना जो पोर्शन है जो कैपेसिटी से लेके ऊपर तक गया, ये हो गया ओवर बर्डन, ठीक है। और जब हमने कैपेसिटी से कम यूज किया, तो ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, कि हमने उसको कैपेसिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। जब हमने कैपेसिटी से ज्यादा यूज किया तो ओवरबर्डन हो गया, और कैपेसिटी से कम यूज किया तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, मुदा हो गया। और दोनों ही केस, जब हमने उसको अंडर यूटिलाइज किया या एक्स्ट्रा यूज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम के अंदर एक अनइवननेस पैदा हो गई, मूरा पैदा हो गया। कभी तो सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, कभी सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं है। तो ऐसे ही जैसे एक मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, एक मशीन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं है, तो जिसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं है तो तब क्या हुआ, वो वेस्ट है। जिस मशीन को अपने कैपेसिटी के हिसाब से यूज नहीं किया, वो हम वेस्ट कर रहे हैं। जिसके ऊपर हमने कैपेसिटी से ज्यादा लोड डाला हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको ओवरबर्डन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में क्या क्रिएट हो रहा है, अनइवननेस क्रिएट हो रहा है या बुरा क्रिएट हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 3M से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को, धन्यवाद।